Next other parts of computer, we have learned the uses of the main parts of computer. पिछले टॉपिक में हमने कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स के बारे में जाना और सीखा. Apart from this, the computer has some other parts too. उसके अलावा भी कंप्यूटर में कुछ अलग से दूसरे पार्ट्स हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे. Let's learn about them. पहला है स्पीकर. स्पीकर इट इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक, रिकॉर्डेड साउंड, सॉन्ग्स और एनी ऑडियो वीडियो फाइल अवेलेबल इन द कंप्यूटर. स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर में जो भी म्यूजिक है, रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है, गाना है, ऑडियो है, वीडियो है, उस फाइल को हम मूव फाइल जो कंप्यूटर में अवेलेबल है उसको हम स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं. सेकेंड है प्रिंटर. प्रिंटर प्रिंट्स द वर्क्स ऑन द पेपर फ्रॉम द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जो भी हम कार्य करते हैं उसको प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है. जिसको हमें प्रिंटर पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट ऑफ द हार्ड कॉपी. इसको जिस पेपर को प्रिंट करने के बाद हम उस पेपर को प्रिंट आउट करते हैं या फिर हार्ड कॉपी करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. अब यहाँ पे एक और नया टॉपिक आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में आपको कलर प्रिंटर आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स आ गए, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेजर प्रिंटर, डॉट प्रिंटर इत्यादि. नेक्स्ट है यूपीएस. यूपीएस इट स्टैंड्स फॉर यूनिक इंटरप्टेड पावर सप्लाई. यानी यूपीएस का फुल फॉर्म हो गया यूनिक इंटरप्टेड पावर सप्लाई. वी कैन कीप द कंप्यूटर ऑन इवन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. अगर हम कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं और बीच में लाइट चला जाता है तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, कभी भी ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा ड्यू टू द यूपीएस. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूपीएस के चलते वो यूपीएस क्या कर रहा है, कंप्यूटर को पावर दे रहा है, जिसके चलते हमारा कंप्यूटर लाइट कट जाने चले जाने के बाद भी ऑफ नहीं होगा, ऑन ही रहेगा. नेक्स्ट है एंड फोर अदर डिवाइसेस. माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड इनटू द कंप्यूटर. माइक्रोफोन का यूज हम करते हैं कंप्यूटर में किसी भी चीज के साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए. एंड द फिफ्थ इज सीडी. सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क से सीडी. सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज यूज टू स्टोर आवर वर्क फॉर फ्यूचर यूज. सीडी का प्रयोग भी हम उसमें मुख्य इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, जिसका यूज हम फ्यूचर में भी कर सकें. इट कैन स्टोर न्यूमरस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें बहुत सारे नंबर में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. इट हैज ए स्फेरिकल शेप. और इसका जो शेप होता है बिल्कुल क्या होता है, स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है सीडी का. नेक्स्ट है लास्ट अदर डिवाइसेस पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इट इज आल्सो यूज टू स्टोर द वर्क फॉर फ्यूचर यूज. सीडी एंड पेन ड्राइव दोनों का यूज सेम ही है. जिस तरह हम सीडी का यूज करते हैं फ्यूचर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसी तरह पेन ड्राइव का भी यूज हम करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिसको फ्यूचर में हमें जब भी जरूरत हो उस इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव का यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं. ए पेन ड्राइव कैन स्टोर मोर डाटा दैन ए सी डी. लेकिन यहाँ एक चीज ये है कि पेन ड्राइव जो है
वो सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर रखता है, यानी पेन ड्राइव में जो है सीडी की अपेक्षा ज्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता है। इंग्लिश में चैप्टर सेकेंड इज फिनिश्ड। ओके थैंक्स।